अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज मैं बना रही हूँ सबकी पसंदीदा बिरयानी लेकिन थोड़े से अलग अंदाज़ में। सबसे पहले एक बोल में चिकन डालें, फिर इसमें डाल दें लहसुन अदरक का पेस्ट और बिरयानी मसाला जो पैकेट में आता है सिर्फ 2 चम्मच। फिर इसमें डाल दें पिसी हुई मिर्चें, हल्दी और नमक। आधा कप दही भी डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको अपनी बिरयानी में आलू भी अच्छे लगते हैं तो इस पॉइंट पे आप आलू काट के भी डाल सकते हैं इसमें और मैरिनेट करने रख सकते हैं चिकन के साथ तकरीबन आधे घंटे के लिए। फिर अलग पैन में ऑयल डाल दें और प्याज डाल दें और प्याज को फ्राई कर लें जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। फिर इसमें डाल दें टमाटर, टमाटर दिल खोल के डाल लें इसमें और इसको पका लें साथ साथ और चम्मच हिलाते रहें ताकि ये जले नहीं। फिर इसमें डाल दें 2 चम्मच बिरयानी मसाला और इसको अच्छी तरह से पका लें, साथ साथ टमाटर को मैश भी करते जाएं। जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएं तो फिर इसमें हम डाल देंगे मैरिनेट हुई चिकन और आलू और हाई फ्लेम पे पका लेंगे ताकि इसमें जो दही डली हुई है वो भी भुन जाए साथ साथ। अब इसमें डाल दें हरी मिर्चें और 1 गिलास पानी और इसको ढक दें जब तक दोनों चीज़ें अच्छी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए। मीनवाइल इधर मैंने चावल भी बॉईल कर लिए थे तकरीबन 80%। अब मैं इस पर ठंडा पानी डाल रही हूँ और इधर हमारी ग्रेवी भी रेडी हो गई है, सब चीज़ें अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे चावल और जर्दे का रंग और इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट तक इसको हम कवर कर देंगे और हमारी ये ज़बरदस्त सी बिरयानी रेडी हो जाएगी। ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही आसान सी रेसिपी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।